हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स, मध्य प्रदेश की नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश और म्यांमार के राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल्स के बारे में। जैसा कि आपको दोस्तों पता है, इससे पहले भूटान और नेपाल के बारे में हम बात कर चुके हैं और उससे भी पहले हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बात कर चुके हैं। दोस्तों, ये हमारा तीसरा वीडियो है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वीडियो को हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बनाया है। अब वीडियो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगा, यानी दोस्तों एक वीडियो में आप दूसरी तरफ इंग्लिश और एक तरफ हिंदी देख सकते हैं। आपको दोस्तों मैं गारंटी देता हूं कि यहां से एक ना एक क्वेश्चन आपके देश के किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गौर से देखें, और सिर्फ दोस्तों एक बार देखने से आपको पूरी चीजें याद हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर या टेलीग्राम के, तो वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो की जो PDF है उसको पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। मैप में दोस्तों ये देख पा रहे होंगे, बांग्लादेश भारत का एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय फ्लैग। बांग्लादेश का ये राष्ट्रीय फ्लैग है, आपको याद रखना है बांग्लादेश का ये राष्ट्रीय फ्लैग है। क्वेश्चन में आपको चार फ्लैग देंगे और उनमें से एक होगा बांग्लादेश का, और आपसे पूछा जाएगा कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फ्लैग कौन सा है, तो आपको सही टिक करना है। इसलिए दोस्तों बड़ी सी पिक में आप देख लें इसको, राष्ट्रीय फ्लैग जो बांग्लादेश का है वह यह है। इसमें बीच में एक गोलाकार आकृति है और चारों तरफ हरा कलर है। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की राष्ट्रगान की, जिसका सही ऑप्शन है अमार सुनार बांग्ला। ये अमार सुनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। बांग्लादेश को स्वतंत्रता 26 मार्च 1971 को मिली थी, यानी दोस्तों जो बांग्लादेश है वह अपना जो स्वतंत्रता दिवस है वह 26 मार्च को मनाता है। ये दो एडिशनल क्वेश्चन आपको देखने मिल गए। फिर बात करते हैं बांग्लादेश की राजधानी की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यानी बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की जो राष्ट्रभाषा है वह है बांग्ला, यानी नेशनल लैंग्वेज है बंगाली। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पक्षी है मैगपाई रोबिन। दोस्तों आप ये चित्र में देख पा रहे होंगे, मैगपाई रोबिन ये पक्षी है और ये नेशनल बर्ड है बांग्लादेश का। फिर है राष्ट्रीय पशु यानी नेशनल एनिमल, और बंगाल टाइगर यानी बंगाल टाइगर यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है। आप देख पा रहे होंगे यह दोस्तों बंगाल टाइगर। नेक्स्ट बात करते हैं बांग्लादेश के राष्ट्रीय पुष्प की, तो नील कमल। ये दो चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये है नील कमल, कितना सुंदर फूल है, और ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय पुष्प यानी नेशनल फ्लावर है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय मिठाई की, तो चमचम यहाँ की राष्ट्रीय मिठाई है। नेक्स्ट दोस्तों राष्ट्रीय खेल, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी, और बांग्लादेश की राष्ट्रीय नदी है जमुना। दोस्तों आपको बता दें, ब्रह्मपुत्र और जो हमारी गंगा है यह जब बांग्लादेश में दोनों मिल जाती हैं तो इस नदी को यमुना यानी जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। अब बात करते हैं बांग्लादेश के राष्ट्रीय फल की, तो कटहल बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है यानी जैक फ्रूट। दोस्तों जो बांग्लादेश की संसद है उसका नाम जातीय संसद है, तो इसका नाम आपको याद रखना है, जातीय संसद है बांग्लादेश की संसद का नाम, एथेंटिक नहीं दोस्तों, यहां पर जातीय पार्लियामेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है अब्दुल हामिद। चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये है अब्दुल हामिद, और जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शेख हसीना। तो आप देख पा रहे होंगे ये है शेख हसीना जो बांग्लादेश की करंट प्राइम मिनिस्टर हैं। अब दोस्तों आपको बता दें, ये वीडियो मैं जनवरी में बना रहा हूं, तो अगर आने वाले समय में यहाँ के राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं तो आप इन्हें करेक्ट कर लेना, लेकिन और जो फैक्ट है दोस्तों वो आपको जरूर याद रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों म्यांमार की, तो आप मैप में म्यांमार को देख पा रहे होंगे, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, और ये म्यांमार का मैप है। भारत का एक पड़ोसी देश है म्यांमार। दोस्तों भारत के जो चार राज्य हैं उनसे यह सीमा साझा करता है, ANMM
यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चार राज्य म्यांमार के साथ साझा सीमा साझा करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय फ्लैग के बारे में। तो जो म्यांमार का जो राष्ट्रीय फ्लैग है उसको आप देख पा रहे होंगे, इसमें बीच में एक ये स्टार आपको दिख रहा होगा और इसमें तीन कलर दिए गए हैं। बात करते हैं म्यांमार के राष्ट्रगान की, तो कावा मा कई ये राष्ट्रगान है म्यांमार का, यानी नेशनल एंथम है कावा मा कई। राजधानी है नेपिडो, आपको पता है जैसे कि दोस्तों नेपिडो म्यांमार की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो सबसे बड़ा शहर है रंगून, लार्जेस्ट सिटी म्यांमार की रंगून है। राष्ट्रीय भाषा बर्मी है, यानी जो नेशनल लैंग्वेज है बर्मा, यह बर्मीज भाषा है जो म्यांमार की नेशनल भाषा है। दोस्तों आपको एक इंपोर्टेंट फैक्ट, जैसे मैंने पहले बताया है बर्मा ही म्यांमार है, यानी म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जानते थे, तो यहाँ की जो भाषा है वह बर्मीज है, तो इतना आप कनेक्शन करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी, तो ग्रे पीकॉक यह राष्ट्रीय पक्षी है, चित्र में आप जैसे कि देख पा रहे होंगे यह राष्ट्रीय पक्षी है म्यांमार का, यानी नेशनल बर्ड ग्रे पीकॉक है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय पशु की, तो ग्रीन पीपल यह नेशनल एनिमल है म्यांमार का। दोस्तों अब बात करते हैं म्यांमार की राष्ट्रीय पुष्प की, तो नेशनल फ्लावर है पाडोक, चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये पाडोक है जो म्यांमार का राष्ट्रीय फ्लावर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल, तो चेन लॉन ये म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है, आपको ये बहुत याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडिया के एग्जाम में कि राष्ट्रीय खेल कौन सा है, इतना ये नहीं पूछा जाएगी कि राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, राष्ट्रीय खेल और यहाँ की संसद का क्या नाम है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ये एक मोस्ट IMP क्वेश्चन है। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है चेन लॉन, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे बच्चे चेन लॉन खेलते दिख रहे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय नदी के बारे में, तो नेशनल रिवर है जो म्यांमार की, उसका नाम है इरावती रिवर, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको याद रखना है। राष्ट्रीय मुद्रा है क्यात, यानी नेशनल करेंसी है क्यात म्यांमार की। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मिठाई, यानी नेशनल डेजर्ट, तो यह है जगीरी, जगीरी म्यांमार की राष्ट्रीय मिठाई है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय फल की, तो आम, आम यहाँ का राष्ट्रीय फल है। नेक्स्ट है संसद का नाम क्या है, तो प्यूथो उल्लू, तो ये यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। दोस्तों यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान, उनका नाम है आंग सान सू की, दोस्तों ये बहुत ताकतवर महिला हैं और इनका नाम है आंग सान सू की। तो दोस्तों ये था हमारा आज का बांग्लादेश और म्यांमार से रिलेटेड वीडियो, जिसमें हमने बात की बांग्लादेश की और म्यांमार के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। तो ये दोस्तों ये वीडियो आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आपको बता दें दोस्तों अगर आप हमें कहीं भी फॉलो करना चाहते हैं तो सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, जो आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।